जंगल में ठंड का मौसम आने ही वाला था। चिड़िया ठंड आने से पहले पहले अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगी हुई थी। वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और घर का काम शुरू करती है। उसके पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे, जो दोनों ही बहुत आलसी थे। वो कोई काम ना करते थे। कौवे की पत्नी गोरी कौवी चिड़िया को घर बनाता देख अपने पति कालू कौवे से कहती है, एक साल हो गया कालू, जब तुम ये दरवाजा खरीद कर लाए थे वहीं का वहीं पड़ा है, अपने लिए घर ना बना सके। मैंने दरवाजा तो खरीद रखा है, जब समय मिला मैं बाकी का घर भी बना लूंगा। जब ठंड शुरू हो जाएगी तो क्या ये दरवाजा मैं अपने सर में मारूंगी? कालू कौवा थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गोरी कौवी से कहता है, गोरी चिड़िया अपने लिए घर बना रही है और हमारे पास दरवाजा है, क्यों ना चिड़िया को घर के लिए दरवाजा देकर चिड़िया के घर में हिस्सा डाल लिया जाए। कालू बात तो तुम्हारी ठीक है, हमसे घर बनाने का काम भी नहीं होगा और वैसे भी ये दरवाजा एक साल से बेकार ही पड़ा है। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया बहुत सुंदर घर बना रही हो। ठंड आने वाली है ना, इसलिए मैं ठंड की तैयारी कर रही हूँ। चिड़िया हमारे पास एक बहुत सुंदर और मजबूत दरवाजा पड़ा है, बेकार ही पड़ा है, क्यों ना वो दरवाजा तुम अपने घर को लगा लो। मैंने अभी अपने घर का दरवाजा बनाना है, अगर आप वो दरवाजा मुझे दे दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, घर तुम्हारा और दरवाजा हमारा, हम इकट्ठे ही सर्दियां गुजार लेंगे इस घर में। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया मान जाती है। तो फिर आप वो दरवाजा ले आए, हम ऐसा ही करते हैं और एक साथ इसी घर में ठंड के दिन गुजार लेंगे। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कालू जल्दी से वो दरवाजा ले आता है। चिड़िया आप ये दरवाजा लगाओ और हम भोजन लेकर आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं और चिड़िया फिर से काम में लग जाती है। आज चार दाने चिड़िया के लिए भी ले जाते हैं, ऐसे चिड़िया हम पर पूरा विश्वास करने लगेगी। आज हम ले जाते हैं, फिर तो हर रोज चिड़िया ही लाया करेगी, अपना भोजन भी और हमारा भी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो जाते हुए कुछ दाने चिड़िया के लिए भी ले जाते हैं। चिड़िया दरवाजा लगने से घर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मजबूत है ये दरवाजा, अब हम ठंड के दिन सुरक्षित गुजारेंगे। ये लो चिड़िया, हम तुम्हारे लिए भोजन ले आए हैं। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और ठंड शुरू हो गई। वो सब खुश थे, मगर कौवों को चिड़िया से एक बड़ी परेशानी थी। वो ये कि चिड़िया सुबह सवेरे उठकर भोजन लेने जाती, जिससे कौवों की नींद खराब हो जाती। चिड़िया आज फिर तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद भोजन लेने जाया करो। गौरी बहन, भोजन सुबह सवेरे ही मिलता है, दोपहर के समय कौन भोजन की खोज में जाता है? मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, तुम हर रोज मुंह अंधेरे ही बर्तनों का शोर शुरू कर देती हो, कल से ऐसा ना हो। फिर चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है और कौवे फिर से सो जाते हैं। शाम हो जाती है। गौरी, ये चिड़िया तो हमें सोने भी नहीं देती। कालू जी, मैं भी बहुत तंग हूँ इस छोटी चिड़िया से। तो फिर लगाओ कुंडी अपने दरवाजे की, दरवाजा भी हमारा और कुंडी भी हमारी, और आराम से सोते हैं।
और चिड़िया मरेगी ठंड में। फिर गौरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर आती है तो दरवाजे की कुंडी लगी देखकर दस्तक देती है। गौरी, गौरी बहन, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दे। ये हमें सोने नहीं देगी, मनहूस आ गई है। चिड़िया, बात ये है कि दरवाजा हमारा है और घर तुम्हारा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, इसलिए तुम किसी और रास्ते से अपने घर में आ जाओ। कालू भैया, खिड़की तो बहुत छोटी है, मैं कैसे अंदर आऊं? अगर दरवाजा तुम्हारा है तो घर मेरा है, ऐसा ना करें, मुझे घर के अंदर आने दें। रात होने को है, बाहर बहुत ठंड हो गई है। चुप करके बैठ जाओ, अब हम चिड़िया की चूँचू का जवाब ही नहीं देंगे। चिड़िया बहुत रोती है, बहुत शोर करती है, मगर कालू और गौरी आराम से सोए रहते हैं। वो दरवाजा नहीं खोलते। सारी रात चिड़िया ठंड में मरती है। सुबह हो जाती है और चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। वो कौवे बहुत दुष्ट हैं, वो ऐसे नहीं समझेंगे, उन्हें सबक सिखाना होगा। वो कैसे कबूतर भैया? मैं बताता हूँ। गौरी और कालू भी सोकर उठ गए थे और वो चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन खा लेते हैं। गौरी, इस भोजन से और कितने दिन गुजर जाएंगे? कालू जी, अगर थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो 10-20 दिन तो आसानी से गुजर जाएंगे। उस चिड़िया ने जिंदगी आसान कर दी, जी भर के सोते हैं और भोजन भी मिल जाता है, कोई तंग भी नहीं करने वाला। कालू जी, मेरा तो पेट भर गया है, चलो फिर से सो जाते हैं, बहुत मजा है सोने में। वो फिर से सो जाते हैं। चिड़िया, चलो मेरे साथ। मगर कबूतर भैया, ये आग से क्या करेंगे आप? फिर कबूतर चिड़िया को अपनी योजना बताता है। मैं सब समझ गई कबूतर भैया, अगर दरवाजा कौवों का है तो घर तो मेरा ही है ना, अब मजा आएगा। फिर चिड़िया और कबूतर आग लेकर वहाँ से जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। ये जरूर चिड़िया होगी, छोटी चिड़िया, दफा हो जाओ यहाँ से। कितनी बार कहा है कि हम तुम्हें अपने दरवाजे में से नहीं गुजरने देंगे। अगर अपने घर में आना है तो किसी और रास्ते से आ जाओ। याद है ना चिड़िया, घर तुम्हारा और दरवाजा हमारा है, हमारा। दरवाजे से गुजरने देंगे तो ही तुम घर के अंदर आ सकोगी। दुष्ट कौवो, मैंने बड़ी गलती की जो तुमसे ये दरवाजा लेकर अपने घर को लगा लिया। मैंने तो तुम्हारा ही भला सोचा था, मगर तुम धोखेबाज निकले। हमने कौन सा रोका है तुम्हें घर में आने से? आ जाओ, मगर किसी और रास्ते से। कौवो, मैं सब सुन रहा हूँ। तुमने सच कहा कि चिड़िया का तो घर है और इस घर का दरवाजा तुम्हारा है। लो जी, गंदी आंखों वाला कबूतर भी आ गया। अगर बात समझ में आ गई है तो यहाँ से चले जाओ, हमें सोने दो। मुझे इस घर की अब जरूरत नहीं है, मैं अपने घर को आग लगाने जा रही हूँ। तुम जल्दी से अपना दरवाजा हटाओ और यहाँ से भाग जाओ। क्यों चिड़िया, क्या कह रही हो तुम? चिड़िया, ना ना, ऐसा ना करना, कोई अपने घर को भी आग लगाता है क्या? जिस घर में आने का दरवाजा ही ना हो, उस घर का क्या फायदा? फिर कौवे जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। ना ना चिड़िया, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, अगर तुमने घर ही जला दिया तो खाली दरवाजा हमारे किस काम का? बहुत चातर बनते हो ना तुम, अब पता चला? चिड़िया, हमें माफ कर दो। अपना दरवाजा उठाओ, भाग जाओ, मैं अपने घर के लिए नया दरवाजा बना लेती हूँ। अगर ना गए तो मैं अभी आग लगा दूंगी और जलेगा तुम्हारा दरवाजा भी घर के साथ ही।
फिर कौवे अपना दरवाजा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद चिड़िया अपने घर के लिए अपना दरवाजा लगा लेती है। रात को चिड़िया आराम से अपने घर में सोई हुई थी और दुष्ट कौवे अपने दरवाजे पर बैठे ठंड से मर रहे थे। आग लगे उस कबूतर को जिसने चिड़िया को हमें घर से निकालने का उपाय बताया। अब तो मरेंगे ठंड से। ऐसे कौवों को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी ज्यादा चालाकी करने से अपना ही नुकसान हो जाता है। जंगल में ठंडी का मौसम था, ठंडी का मौसम और ऊपर से ठंडी हवा। अब तो ठंडी हवा के साथ साथ कई दिनों से जंगल में गहरे बादल भी छाए हुए थे। कई दिन धूप ना निकलने से ठंड बहुत बढ़ गई थी। फिर कुकू की मम्मा कबूतर के पास जाती है जो जंगल में बढ़ रही था और पक्षियों के घरों की मरम्मत करने का काम करता था। चिड़िया, छत की मरम्मत तो मैं कर दूंगा, परंतु महंगाई बहुत है, मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। कबूतर भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही है। 20 रुपए तो बहुत कम है, इतने में मैं आपके घर की छत मरम्मत नहीं कर सकता। नहीं नहीं पति जी, चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम चिड़िया के घर की छत की मरम्मत 20 रुपए में ही कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लूसी बहन, ये ले 20 रुपए और अपने पति से कहें मेरे घर का काम अच्छे से कर दें। फिर चिड़िया 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। लूसी, क्या पागल हो गई हो, 20 रुपए से ज्यादा की तो लकड़ी लग जाएगी, हमें क्या मुनाफा होगा चिड़िया का घर ठीक करने में। पति जी, वो जो लकड़ी खराब है वो कई बरसों से पड़ी है, आप इस खराब लकड़ी से ही चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर दें। 20 रुपए तो मिले, वो लकड़ी भी तो हमारे किसी काम की नहीं है। मूसी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कबूतर अपना सामान लेता है और चिड़िया के घर की छत मरम्मत करने निकल जाता है। कबूतर पुरानी और खराब लकड़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत मरम्मत कर देता है। बेचारी चिड़िया ये बात नहीं जानती थी कि कबूतर ने तो खराब लकड़ी से उसके घर की छत मरम्मत की है। वो खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आप बहुत अच्छे हो जो कम पैसों में ही मेरे घर को ठीक कर दिया। तुम्हारी भाभी लूसी के कहने पर मैंने ये काम किया है, वरना मैं तो 100 से कम में ये काम नहीं करता। फिर चिड़िया के पास घर में थोड़ा सा लाल रंग पड़ा था। चिड़िया अपने पूरे घर को रंग कर लेती है, जिससे दिखने में घर बहुत सुंदर दिखता है। कालू जी, वो सामने तो देखो, छोटी चिड़िया ने तो अपना घर नया कर लिया है और एक तुम हो के सोए ही रहते हो। बरसात शुरू होने वाली है, उठो और तुम भी अपने घर का कोई काम करवा लो। क्या तुम्हें वो घर बहुत सुंदर लगता है? हाँ, बहुत सुंदर है वो घर। तो फिर आज ही मैं चिड़िया से वो घर छीन लेता हूँ। अब देखना तुम्हारा कालू कितना तेज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है। मैं आज ही तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ, उसे तेज बुखार के साथ साथ खांसी भी है। मैं भी कहूँ, मुझे कल से नींद क्यों नहीं आ रही, मैं अभी जाती हूँ कालू भैया। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। बेचारी पागल चिड़िया, ये क्या जाने कि मैं तो इसके घर पर कब्जा करने वाला हूँ। कितना सुंदर लाल रंग का घर है चिड़िया का। कालू जी, क्या बना, क्या चली गई चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल? हाँ, वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उसकी माँ सच में बीमार हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं।
अब जल्दी से अपना भोजन उठाओ और चिड़िया के घर चलें। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। रानो, इतने खराब मौसम में आप यहाँ कैसे आई हो? माँ, मुझे कालू कौवे ने बताया है कि आपको तेज बुखार है और आप मुझे बुला रही हैं। नहीं मेरी बेटी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो अभी अभी अपना भोजन भी खुद लेकर आई हूँ। तो मम्मा, कौवे अंकल ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो दुष्ट कौवा बहुत शैतान है, वो हमें उल्लू बना रहा होगा। बेटी, अब तो रात होने वाली है, आप आज की रात हमारे घर में ही रहें और फिर सुबह होते ही वापस चली जाना। नानो, नानो, मैं आज रात आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ हाँ मेरा बेटा, मेरे साथ ही तो सोएगा। जंगल में रात भी हो जाती है, बादल भी गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, कितना मजा है ऐसी बारिश में सुरक्षित घर में बैठकर बारिश देखने का, तो मजा ही कुछ और है। नानो, नानो, मुझे कोई कहानी सुनाए ना। मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता राजा रहता था, जो बहुत ईमानदार था। वो अपने राजे के साथ हमेशा न्याय करता। फिर एक बार तोता राजा बहुत बीमार हो गया। जंगल के सभी वैजी और डॉक्टर की समझ में तोते राजा की बीमारी नहीं आ रही थी। नानो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक पक्षी को तोते राजा की बीमारी की समझ आ गई। वो जान गया तोते राजा के दिल में ये वहम बैठ गया है कि वो मर जाएगा। इस बात को देखकर वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। माँ, देखो तो कुकू तो सो गया है। आप कहानी किसे सुना रही हैं? कुकू जब भी आता है मैं इसे यही कहानी सुनाती हूँ, और हर बार ये ऐसे ही कहानी सुने बिना ही सो जाता है। कुकू सब सो जाते हैं। बारिश तो पहले से भी तेज थी और साथ में तेज हवा का शोर भी। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे अपने घर जाना होगा। वो कौवे मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, कहीं मेरे घर पर कब्जा ही ना कर ले। रुक जाओ, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। हाँ, अभी बारिश थोड़ी कम है, मैं चली जाऊंगी। मम्मा, मुझसे तो ऐसी बारिश में उड़ा नहीं जाएगा, मैं नानो के पास ही रह लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अकेले ही अपने घर को वापस उड़ती है। सारे जंगल में पानी ही पानी था, रात से बारिश हो रही थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घर पहुँचती है। उसके घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, लो आ गई चिड़िया, अब दरवाजा ना खोल देना। कौन कौन है मेरे घर में? कालू इसे आवाज देता है। आपका पड़ोसी मैं हूँ कालू, और साथ है तुम्हारी भाभी। वो ऐसा है ना, तुम्हारी भाभी को तुम्हारा घर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा कि हम तुम्हारा घर ले लेते हैं। तो मुझे अब पता चला दुष्ट कौवे, तुमने मुझसे मेरी माँ के बीमार होने का झूठ क्यों बोला था। जाओ जाओ चिड़िया, तुम हमारे घर में चली जाओ, हमारा घर भी अच्छा है। बस तुम्हारे घर का रंग मुझे पसंद आ गया है। तुमने हर बार बरसात में मुझे तंग ही किया, और हर बार तुम्हें इस बात पर सजा भी मिलती है। फिर चिड़िया कौवों के घर में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा से चिड़िया के घर की छत टूट जाती है और वो कौवों के ऊपर गिर जाती है। हाय हाय मेरी पूंछ कालू, मैं मर गई। ये चिड़िया का घर तो बहुत कमजोर लकड़ी से बना हुआ था। इससे ज्यादा सुरक्षित तो हमारा ही घर था, जहाँ चिड़िया मजे कर रही होगी।
कालू जी, मैं तो चिड़िया के घर का रंग देखकर लालच में आ गई थी। मुझे क्या पता था कि ये घर इतना कमजोर है। फिर बहुत मुश्किल से कौवा और कंगी छत के नीचे से निकलते हैं और चिड़िया की विनती करके वापस अपने घर का दरवाजा खुलवाते हैं। अब पता चला कौवो, टूट गई ना पूंछ। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे मेरे घर से